अभिनेत्री अदिति कोहनकर ने सिटीजन प्रो मास्टर लिमिटेड एडिशन का अनावरण किया। FUGU इंस्पायर्ड कलेक्शन को नई दिल्ली के हेलियोस साउथ एक्सटेंशन में पेश किया गया। यह आयोजन ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि 1924 में अपनी पहली घड़ी बनाने वाली कंपनी सिटीजन एक सदी की शानदार सफलता के बाद 100वीं सालगिरह मना रही है। कुछ नया देने का उत्साह और सटीक काम करने की प्रतिबद्धता कंपनी की पहचान है, इसलिए यह अपनी टिकाऊ और स्टाइलिश घड़ियों के साथ अपने उद्योग में अव्वल है। प्रो मास्टर लिमिटेड एडिशन घड़ी लॉन्च कर सिटीजन ने इनोवेशन और रिफाइनमेंट को लेकर अपना समर्थन दर्शाया। ये घड़ियाँ खासकर उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर पसंद करते हैं और घड़ियों से बेजोड़ कार्य प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं। इस लॉन्च में नई दिल्ली के हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, मीडिया जगत की हस्तियों और सिटीजन वॉचेस इंडिया के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य लोगों ने भागीदारी की। लॉन्च किसान अदिति कोहनकर ने घड़ी पेश करते हुए अपनी जादुई अदा से लोगों का दिल जीत लिया। अदिति खुद प्रोमास्टर कलेक्शन की तरह बोल्डनेस और एडवेंचर की मिसाल है। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ पंसी लाल की रिपोर्ट। डायमंड नहीं है, ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वॉच है, इसलिए डायमंड्स नहीं रहता। आप इस घड़ी का स्ट्रैप देखेंगे भी, ये भी वाटर लविंग मटेरियल है, इसको बोलते हैं कि हाइड्रोफिलिक मटेरियल, तो इंटरचेंजेबल भी है। इसके साथ एक मेटल वेरिएंट भी आता है, अगर डायमंड अंदर पानी के अंदर जाता है फिर वापस आता है तो फिर वो मेटल भी पहन सकते हैं, तो दोनों कर सकते हैं। ये जो पॉलीयुरेथेन का बैंड है वो कस्टमर के लिए हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। साउथ के सिटीजन वॉच के एक शोरूम में जहाँ उन्होंने 100 साल जो घड़ी पहले उन्होंने बनाई थी, आज 100 साल पूरे हो गए, उस पर नई चीज़ें उन्होंने इनोवेशन करी है और यहाँ पर प्रमोट के लिए यहाँ पर खुद एग्रे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, अदिति जी भी यहाँ मौजूद है। आप इनसे बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कि 100 साल का घड़ी का जो इतिहास है वो क्या कहता है। अगले बताएँ ये जो घड़ी आपने आज 100 साल से सिटीजन जो है घड़ियों में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। सिटीजन का जो टैगलाइन है वो है बेटर स्टार्ट्स नाउ, विच मीन्स हम हर बार कुछ नया कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं एज अ वॉच ब्रांड। और 100 साल से इनोवेशन सिटीजन के एकदम हार्ट में रहे, तो हम प्राउड हैं काफ़ी कि एक मुकाम तक पहुँच चुके हैं और आगे और बहुत जाना है, इनोवेशन और आएंगे, इम्प्रूवमेंट्स और आएंगे। सो या दिस इज a milestone for us which we want to cherish and celebrate, but also not stop, we will move forward and become better. Time 100% बहुत समय की घड़ियाँ बदल गई है, पहले मैनुअल थी, चाबी वाली, इसके बाद लेजर गाड़ी, अब डिजिटल घड़ियाँ आने लगी हैं, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था। तो इस तरीके की देखते हैं लोगों के पास अभी भी 24 घंटे ही हैं, वो हम पे है कि हम उनको कैसे यूज करते हैं। अलग अलग चीज़ों में हम खोए रहेंगे तो हमें लगता है टाइम कम है, बट नेचर जो है वो सेम है, तो वो हम पे है कि हम कैसे उस 24 आवर्स को अच्छे से यूज करें, अपने बेनिफिट के लिए करें, दूसरों के बेनिफिट के लिए करें, ना कि वेस्ट करें। आज की जो प्रो मास्टर की इसका खासियत क्या है और आज आपने लॉन्च करी है इसको, एक घड़ी को बनाने में समय का भी क्या रहता है, मतलब कितना टाइम में हो जाता है घड़ी के डिजाइनिंग, R&D और इसमें टाइम लगता है, कभी कभी 1 साल 2 साल लगता है। एक बार डिजाइन सेट हो गया, मॉल्ड सेट हो गया, तो फिर एक दिन में हजारों बनती है। तो इसका जो डिजाइनिंग है, मैं जैसे अगर आपको बताऊं कि ये जो इसका बेजल डिजाइन है, ये एक फिश का जो एक फुला हुआ शेप है, इससे इंस्पायर्ड है। पफर फिश जो है वो नॉर्मल समुंदर में जब रहता है तो उसका शेप नॉर्मल फिश के जैसे ही रहता है, बट जब उसको लगता है कि कुछ डेंजर है या कोई अटैक करने वाला है उस पर, तो वो अपने आप को खुला लेता है, खुल जाता है एकदम बॉल के जैसा। तो उसका जो ये शेप है, तो उसका ये है। और इसके वॉच के पीछे एक पफर फिश का लोगो भी एंग्रेव्ड है, अगर आप देखेंगे तो ये कमेमोरेटिव लिमिटेड एडिशन। दोनों है लेडीज जेंट्स, लेडीज जेंट्स दोनों है। जनरली जब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जाते हो तो सारे मॉडल सारे ब्रांड्स के यूनिसेक्स होते हैं, क्योंकि बोथ जेंडर्स यूज द सेम। मिनिमम प्राइस इसका 44,900 रुपीस है, 4 मॉडल हैं इसमें,
हमने लॉन्च किए हैं इस कलेक्शन में, चारों के 44 ले जाते हैं। आज आपने घड़ी, तो घड़ी तो बदलती रहती समय समय के साथ साथ, अब आप ये बताएं कि ये जो घड़ी आपने देखी है क्या सा है इसका प्रारूप और किस तरीके से आप देखती हैं कि सच में घड़ी है, घड़ी ही घड़ी है? जैसे आपने कहा घड़ी बदलती रहती है, अब समय बदल गया, समय बदल गया बराबर, तो लोगों का समय बदल गया है। उनके लिए खुशखबरी है कि ऐसा कुछ आया हुआ है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जब भी मैंने सुना है, जैसे मेरी बहन डाइविंग करती है, पर वो जो आपका एक वातावरण परिसर होता है, नीचे एनवायरनमेंट होता है, उसमें खो जाता है। और आपको अगर कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स में रहना होता है, जैसे मैं थी कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट में, पर मैं ऑन ग्राउंड थी, तो अगर आप अंडर वाटर जाते हो, पहाड़ों पर चढ़ते हो, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आप समय के साथ कैसे रहे, तो ये घड़ी मुझे लगता है उन लोगों के लिए है। तो वो प्राइस आपने जैसे कहा, मुझे नहीं लगता प्राइस उनके लिए कोई मायने रखेगा, या किसी के लिए किसी भी चीज में मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा लग्जरी वही होता है जो आप सोचते हो शायद मैं खरीद पाऊंगा या नहीं, पर आपकी ये जरूरत बन सकती है। आम लोग ही धन्य होते हैं, सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनकी कुछ खास चीजें होती हैं, उस बारे में समय नहीं है यार, निकल समय नहीं है सर।